आर के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश के सुर्खियों पर। श्रीलंका की जेल से रिहा होंगे 43 पाकिस्तानी कैदी, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद लंदन में समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प, 4 घायल। अस्पताल में भर्ती है, टर्बुलेंस में फंसे विमान के 43 यात्री, रीढ़ की हड्डी और सिर में लगी है भयंकर चोट। अमेरिका निभाई का वादा, भारतीय के लिए खुलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दरवाजा। सीएम केजरीवाल ने डाला वोट तो उतावले हो गए ये पाकिस्तानी नेता, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इंडिया गठबंधन ने गाजीपुर के लोगों को धोखा दिया। छत्तीसगढ़ में एक और एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया छे, हथियार और गोला बारूद बरामद। प्रियंका गांधी की बेटी मिराया ने पहली बार डाला वोट, युवाओं से की अपील। चुनाव आयोग ने 5 फेज वोटिंग का पूरा आंकड़ा जारी किया, कहा एक एक वोट का हिसाब है। हमारे प्रत्याशी को किया गया नजरबंद, चुनाव आयोग पर खूब बरसे अखिलेश यादव, बोले कब तक बीन पर आ चुके। इनका भाई कहता है 15 मिनट में हिंदुओं को भारत से साफ कर देंगे, ओआईसी पर गिरिराज ने साधा निशाना। दो बार गलती हुई, अब बीजेपी के साथ है बिहार में सभी सीटें, जीतने के लिए नीतीश ने कह दी दिल की बात। बालाघाट में फिजिकल टेस्ट के दौरान परीक्षार्थी की हुई मौत, मचा हड़कंप। विधायक हरीश पुंजा की घटना के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सीएम ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और भाजपा कर्नाटक प्रमुख के बीच राज्य में निवेश को लेकर आरोप प्रत्यारोप। कुमार स्वामी ने 2016 में सिद्धरामैया के बेटे की मौत का मुद्दा उठाया, सीएम ने पलटवार किया। देवेगौड़ा ने ही प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भेजा था, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कहना। पुष्पराज की मुश्किलें बढ़ने को तैयार है, सिद्धप्पा जन्मदिन पर रमेश राव का पहला लुक आया सामने। दीपिका पादुकोण के प्रेगनेंसी ग्लो के दीवाने हुए रणवीर सिंह। शाहीन अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर ठुकराई ये अहम जिम्मेदारी, पीसीबी को दिखाए बगावती सुर। राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी पर लगा फल, सनराइजर्स से मिली हार के बाद डबल नुकसान। 2500 रुपए सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आई गिरावट। अनिल अंबानी के खत्म नहीं हो रही मुसीबतें, रिलायंस पावर को चौथी दिमाही में हुआ चार्ज। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।